नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एशिया कप स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया कप में पाकिस्तान से 2 पॉइंट लेने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज के मैच में जब भारतीय टीम पाकिस्तान को हराएगी तो जब पाकिस्तानियों के रिएक्शन से जो मीम बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा मजे देने वाले होंगे। लेकिन ये मजे तो केवल हम फैंस के लिए होते हैं। खेलने वाले के ऊपर तो इतना प्रेशर होता है जितना तो IAS एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे छात्र के ऊपर भी नहीं होता। बात तो सही है। भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जीत का सिलसिला जारी रखे, और पाकिस्तान के ऊपर दबाव होगा कि 4 साल पहले मिली वर्ल्ड कप 2019 में हार का बदला जीत कर ले। बात तो सही है। तो भैया, बाबर आजम और रोहित शर्मा के लड़के जब आज मैदान में उतरेंगे तो उनके कानों में शाहरुख खान की चक दे इंडिया मूवी का डायलॉग थोड़ा एडिट होकर बज रहा होगा कि सिर्फ 50 और 50, 100 ओवर है तुम्हारे पास, जो करना है वो इन्हीं में करना है। बात तो सही है। अगर कागज पर देखा जाए तो भारतीय टीम सॉलिड लग रही है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है तभी उसे नजर बहुत जल्द लगती है, जैसे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को लग गई थी। इसलिए रोहित भैया, ड्रेसिंग रूम के बाहर नींबू मिर्ची लटका देना, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले दूरबीन लेके नजर लगा सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जो ये भी मानती है कि वो भारतीय टीम के सामने अंडरडॉग है, और साथ में ये भी कह देती है कि हम भारतीय टीम को हरा देंगे, लेकिन इस समय पाकिस्तान से ज्यादा मुसीबत में तो भारतीय टीम नजर आ रही है। क्योंकि जहां पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 तैयार है तो वहीं भारतीय टीम में अभी तक ये फिक्स नहीं हो पाया है कि कौन तो ओपनिंग करेगा और कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। ऐसे में मुझे थोड़ा धक धक हो रहा है, मन में बहुत सारे सवाल है कि क्या हम पाकिस्तान को हराकर परंपरा प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि भारतीय टीम आज के मैच में अगर पाकिस्तान को हराती है तो भारतीय टीम का पालनहार कौन होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।